नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर होगी, काम की बात होगी और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। और शुरुआत करने वाले पंजाब की बड़ी खबरों के साथ, अमृतसर में पंजाब राज्य वॉर हीरोज मेमोरियल एंड म्यूजियम का मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने उद्घाटन किया और अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अमृतसर में पंजाब के सीएम सरदार प्रकाश सिंह बादल ने शहीदों को समर्पित पंजाब स्टेट मेमोरियल का उद्घाटन किया। अमृतसर में देश के पहले पंजाब स्टेट वॉर हीरोज मेमोरियल और म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। इस खास मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल सहित कई कैबिनेट मंत्री और पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला मौजूद रहे। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि वॉर मेमोरियल उन जवानों को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की और सेना के जवानों को बधाई दी। सबसे पहला मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को जो कामयाब तरीके सर्जिकल स्ट्राइक की है उन्हें बधाई देना और हिंदुस्तान की आर्मी को सैल्यूट करना। देश की खातिर जंग के मैदान में जान की बाजी लगाने वाले हजारों शहीदों के नाम इस इमारत पर दर्ज हैं। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। सूबा सरकार के इस कदम की न सिर्फ उसकी सहयोगी पार्टी यानी कि बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी तारीफ कर रही है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने वॉर मेमोरियल बनाने के लिए पंजाब सरकार की जमकर प्रशंसा की है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने वॉर मेमोरियल के रूप में विरसे को संभालने में सबसे बड़ा योगदान देने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। तो वहीं पूर्व फौज अध्यक्ष जे सिंह ने कहा कि मेमोरियल में लगाई गई तलवार की धार पश्चिम की तरफ है, ये दुश्मनों के लिए चेतावनी है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुलजार सिंह रणीके ने कहा कि ये मेमोरियल आम लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने में मदद करेगा। वहीं कांग्रेस ने इस यादगार का स्वागत किया लेकिन शहीदों के परिवारों के लिए सही कदम उठाए जाने की मांग भी की। 70 साल हो गए याद होया नु देश नु ते साडे बहादुरां ने फौजी वीरां ने देश वास्ते चार पंज जंगां देशी याद तो बाद लड़ियां ते देश दी आन ते शान वास्ते ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 61 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ, 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ, 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਰੋਜ਼ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ 161 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਭਦੀਆਂ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ
ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਕਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਕੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨ ਗੋਸਾਈ ਕੇ ਸਾਥ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। दिल्ली में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर पर पंजाब कांग्रेस की अहम बैठक हुई है, जिसमें सभी सीनियर नेता मौजूद रहे। मीटिंग में विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन हुआ। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति को लेकर दिल्ली में पंजाब कांग्रेस लीडरशिप की अहम बैठक हुई। दिल्ली में पंजाब कांग्रेस के नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह, अंबिका सोनी, राजेंद्र कौर भट्टल सहित कई आला नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पंजाब दौरे को लेकर खास तौर से चर्चा की गई। इसके अलावा सूबे में किस तरह से चुनाव अभियान को आगे बढ़ाना है, इस पर भी बातचीत हुई। और जो हमने आगे को प्रोग्राम पंजाब में करना है वो बातें की हमने। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने SYL के मसले पर फिर से कांग्रेस का स्टैंड दोहराया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई चारा नहीं बचा तो पार्टी के विधायक इस्तीफा देकर जनता के बीच जाएंगे। एंड असी सानू साडे कोल कोई चारा नहीं, असी है जेड़ी पानी दा प्रोटेक्शन 2004 विच कीता सी और हुण सानू असी फैसला कर लिया कि अगर ये होएगा कि साढ़े कोई और चारा नहीं कि असं सारे इस्तीफे देवे और इस्तीफे देने तो बाद असी फिर विधानसभा लोगों को जावे कि सानू विधानसभा मेजोरिटी दो ताकि असी पंजाब के पानी की राखी कर सके कॉन्स्टिट्यूशनली। मतलब असैम्बली दे विच बिल पास करिए जिदे नाल असी कर सकते हैं, असी कोई झगड़े पंजाब नूं गड़बड़ी नहीं कराउंदे। तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कांग्रेस की जो है वो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। मीटिंग के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि बैठक में राहुल गांधी के पंजाब दौरे को लेकर चर्चा की गई, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। सिद्धू को पार्टी में शामिल करने के लिए पंजाब कांग्रेस के आला नेताओं की राय एक नजर नहीं आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पंजाब कांग्रेस में भी एक राय नहीं है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि सिद्धू के मुद्दे को मीडिया ने हाइप दिया है, जबकि कांग्रेस में अगर कोई आना चाहे तो बिना शर्त स्वागत है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि आवाजें पंजाब के सभी साथियों को साथ लेकर चलना चाहिए, इससे पार्टी मजबूत होगी। बाजवा के मुताबिक सिद्धू के साथ बातचीत के टेबल पर बैठकर उनकी बात सुनी जानी चाहिए। मुझे मिलने आए थे सिद्धू। नो, देयर इज नो नवजोत सिंह डिस्कशन एट ऑल। आई डोंट नो, यू आर द पीपल हु आर हाइपिंग ऑल दिस इशू। हमारी पार्टी वेलकम करती है जो आना चाहता है, एंड पर्टिकुलरली दीज पीपल, दे हैव कम फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ अ कांग्रेस बैकग्राउंड, दे कैन, यू कैन नॉट पुट कंडीशंस। कोई ऐसा ये तो पता नहीं कि उन्होंने कोई शर्त लगाई भी है कि नहीं। जब हमने किसी को लेना है तो टेबल पर बैठाना होता है, बात करनी होती है, कुछ उनकी बातें होती हैं, कुछ अपनी बातें होती हैं। आज इम्पोर्टेंट पंजाब को बचाना और सूबे को बचाना इम्पोर्टेंट है, बाकी बातें बहुत छोटी हैं। तो हर हालत में सिद्धू और आवाज़े पंजाब के सभी साथियों को साथ लेना चाहिए, इस बात से कांग्रेस मजबूत होकर निकलेगी, बाकी बातें बिल्कुल छोटी। उधर पंजाब कांग्रेस विधायक दल के नेता चरणजीत सिंह चन्नी सिद्धू को मशवरा देते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पहले सिद्धू तय करें कि वो कांग्रेस की विचारधारा के साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं या नहीं। जो सिंह सिद्धू का जो ग्रुप है वो पहला अपना मन क्लियर करे, अपना व्यूत बढ़ावे, अपनी डिसीजन दे कि वह कांग्रेस की आइडियोलॉजी मानते हैं, फिर कांग्रेस उन्होंने बारे सोच के फैसला ले ले। देखो, नवजोत सिंह सिद्धू एक अच्छे राजनीतिक नेता है, वह ये हो सकते कांग्रेस के उहदे विच संपर्क दे विच, ये कोई बड़ी गल नहीं है, लेकिन वह अपना मन बना लवे फिर कांग्रेस उहदे बारे च मन बना के फाइनल कर दे। वहीं प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि सिद्धू ने पार्टी के सामने कोई शर्त रखी है या नहीं रखी। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ जसविंदर बब्बर, जी मीडिया। लुधियाना में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री से संबंधित मैनिफेस्टो जारी किया है। इस दौरान उन्हें महिला कांग्रेस के विरोध का भी सामना करना पड़ा।
आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ट्रेड मैनिफेस्टो जारी करके सूबे के व्यापारियों को आकर्षित करने की कोशिश की है। पंजाब के लुधियाना में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें सूबे के व्यापारियों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन, सस्ती बिजली, इंस्पेक्टर राज खत्म करने का वादा किया गया। केजरीवाल ने कहा कि व्यापारी हमारे पार्टनर की तरह हैं। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुताबिक आम आदमी पार्टी अलग अलग घोषणा पत्र जारी कर रही है, जिसमें झूठे वादों से बढ़कर कुछ नहीं है। ये एग्रीकल्चर का सेपरेट, यूथ का सेपरेट, इसका सेपरेट, क्योंकि इतना इतना पैसा लगा रहे हैं इसमें, हर में दे रहे हैं कंसेशंस, जितने को जितना पंजाब के पास पैसा ही नहीं, विच कैन नॉट इवन मेक दिस इनटू अ बजट। ये तभी इन्होंने स्टेटमेंट वाइज, हाउ कैन यू हैव 10 मैनिफेस्टोस, यू हैव टू हैव वन मैनिफेस्टो बेस्ड ऑन द रिसोर्स अवेलेबल। अगर आपके पास रेवेन्यू ही नहीं है तो कहां से बनाओगे मैनिफेस्टो? एक होता पार्टी का हर रोज मैनिफेस्टो कदे हुआ और फिर झूठ का पलंदा। वो कहते 25 लाख मैं पहला यूथ का किया, उन्होंने कहा 25 लाख असी मुलाजमत देवे, हम पूछो पंजाब च किन्ने मुलाजमत। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आपके घोषणा पत्र को अव्यवहारिक करार दिया है। दिल्ली से पंकज कपाही, लुधियाना से तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को पंजाब बीजेपी चुनाव कैंपेन के सहप्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके बाद से वे पंजाब की सियासत में काफी सरगर्म नजर आ रहे हैं। पंजाब बीजेपी चुनाव कैंपेन सहप्रभारी का दावा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का बुलबुला फूट चुका है। पंजाब बीजेपी चुनाव कैंपेन की सह प्रभारी की कमान सौंपे जाने के चंद दिनों के भीतर कैप्टन अभिमन्यु ने सूबे की सियासत को गरमाने का काम शुरू कर दिया है। कैप्टन अभिमन्यु की माने तो आम आदमी पार्टी सूबे के भीतर कुछ खास करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि लोग आम आदमी पार्टी के सच को जान चुके हैं, जबकि कांग्रेस के सामने देश भर में विश्वसनीयता का संकट खड़ा हुआ है। पंजाब में सह प्रभारी के नाते मुझे जिम्मेदारी मिली है। 5 वर्ष पहले भी राष्ट्रीय सचिव के नाते पंजाब में सह प्रभारी के तौर पर मैंने काम किया था और उसी अनुभव का आज लाभ मुझे लगता है फिर मिलेगा। तमाम पंजाब के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के हम एक बार फिर से पंजाब की जनता के बीच में विश्वास के साथ। बीजेपी नेता के मुताबिक पंजाब के किसान जवान फिर से अकाली बीजेपी गठजोड़ पर मुहर लगाएंगे और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। पंजाब एक महत्वपूर्ण राज्य है, तो मुझे उम्मीद है कि पंजाब के वीर बहादुर किसान मजदूर और पंजाब के वीर जवान वह नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे। कैप्टन अभिमन्यु ने दोनों विरोधी सियासी दलों को नकारते हुए पंजाब में बीजेपी अकाली दल की जीत का भरोसा दिलाया है। रोहतक से राजताकिया के साथ राजकुमार गोयल, जी मीडिया। चुनाव आयोग की टीम पंजाब दौरे पर पहुंच चुकी है। आज टीम ने सियासी पार्टियों के साथ मुलाकात की है। मुलाकात में सभी पार्टियों ने अपने अपने विचार चुनाव आयोग की टीम के सामने रखे। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पंजाब पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने सियासी गुटों के साथ भी बातचीत की, जहां हर सियासी पार्टी ने अपने विचार और सवाल चुनाव आयोग की टीम के साथ साझा किए। तो वहीं अकाली दल ने मांग रखी कि मतदान के दिन से चुनाव परिणाम घोषित होने के दिनों में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। सरहदी सूबे का हवाला देते हुए कहा गया कि जल्द ही नतीजों का ऐलान हो जाना चाहिए। अकाली दल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा करते हुए चुनाव आयोग के सामने शिकायत की कि पब्लिसिटी के लिए अफसरों को बदनाम करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कांग्रेस की ओर से 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुनाव निष्पक्ष तरीके से करवाने और आचार संहिता लागू करने की मांग रखी। कैसे उन्होंने अशोर करके आए हैं कि साड़ी बड़ी जिम्मेवार पार्टी है और डेमोक्रेसी दे वास्ते पार्टी ने बहुत बड़े संघर्ष भी किए। एमरजेंसी के दौरान असी पूरी तरह कोऑपरेट करांगे सारे साडे कैंडिडेट के बॉर्डर कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन ना हो। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮੰਡੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਲਓ।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਇੰਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਚੁਣਾਵੀ ਤਿਆਰੀਓਂ ਕਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬੋ ਮੇਂ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਭੁੱਲਰ ਕੇ ਸਾਥ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਨੂਹ ਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਰੈਲੀ ਕੀ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਬੜੇ ਤੋਹਫੇ ਦੀਏ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज मेवात में 102 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को मेवात के नूह में विकास रैली की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेवात को 102 करोड़ की नई योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नूह विधानसभा के विकास पर पिछले 2 सालों में 211 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। विकास कार्यों में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। निश्चित रूप से कोटला झील विकसित होगी। कोटला झील के लिए हमने पहले भी पैसे दिए हैं, आगे भी जो इसको विकसित करने की सब। सर, रेल और मेवात कैनाल जैसी कई यूनिवर्सिटी वगैरह कई बड़ी मांगे मेवात के लोगों ध्यान देंगे। मेवात की जो जो आवश्यकता होगी जैसा जैसा महसूस करेंगे सारी मांगे। वही मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग को 34,000 करोड़ के घाटे से उबारने के लिए सरकार की तरफ से 26,000 करोड़ रुपए अलॉट किए जाने की भी जानकारी दी। साथ ही शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेवात में नियुक्त अध्यापकों को वेतन से अलग 10% मानदेय देने का भी ऐलान किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवर और राव नरवीर सिंह ने भी सरकार के कामों की तारीफ की। मुख्यमंत्री ने 31 मार्च 2017 तक पूरे मेवात को खुले में शौच से मुक्त करने की भी अपील की। साथ ही लोगों को दीपावली और 26 अक्टूबर को सरकार के 2 साल पूरे होने पर बधाई भी दी। इसके अलावा सीएम ने लोगों को गुरुग्राम में आयोजित होने जा रहे स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने का न्योता भी दिया। मुख्यमंत्री ने सभी पार्टियों से स्वर्ण जयंती में सहयोग करने की अपील की। मेवात से अनिल मोहनिया के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सूबे के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने के संकेत दिए हैं। कैप्टन के मुताबिक 7वें वेतनमान को जल्द लागू कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने उम्मीद जताई है कि सीबीआई जांच से सच जनता के सामने आ जाएगा। सबसे बड़े त्योहार दिवाली में चंद दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले सरकारी कर्मचारियों की कस्मत खुलने के संकेत मिल गए हैं। सूबे के वित्त मंत्री की माने तो 7वें पे कमीशन की स्टडी के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और जल्द ही सरकार 7वें पे कमीशन की सिफारिशों को लागू कर सूबे के कर्मचारियों की मुराद पूरी करेगी। 7वें पे कमीशन हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरे देश भर में शायद सबसे पहले सबसे जल्दी लागू होगा। और हमारी जो समिति, जिसने अध्ययन करने के लिए जो अधिकारियों की समिति हमने बनाई थी, उसने 20 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। सरकार इस रिपोर्ट के ऊपर अगले कुछ दिनों में विचार करके बहुत जल्दी इसकी खुशखबरी हरियाणा प्रदेश के सब कर्मचारी भाइयों को सुनाने वाली है। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के फैसले पर तंज कसा है। बाकी जो कर्मचारी हैं उनको उनकी संतुष्टि के हिसाब से नहीं मिला है, इतना इजाफा होना चाहिए। उनकी तो एक बेसिक डिमांड एक ही थी जो कि हमने हमारे समय मंजूर हुई थी कि पंजाब स्केल लागू कर रहे थे। तो जब तक हरियाणा कर्मचारियों को पंजाब का स्केल लागू नहीं होगा उनकी संतुष्टि नहीं। इसके अलावा कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन दे रही है और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने धान खरीद को लेकर कहा कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मंत्री से लेकर के और सेक्रेटरी स्तर तक के अधिकारी मंडियों में जाकर दौरा कर रहे हैं। मैं स्वयं मंडियों में गया हूं और किसान से लेकर के वहां व्यापारियों से लेकर के पल्लेदारों और मजदूरों तक से भी हमने बात करके इस बात की तायद की कि इस बार किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत आती भी है तो उसका तुरंत हमें समाधान करने के लिए संकल्पित। कैप्टन अभिमन्यु के बयान पर अगर भरोसा किया जाए तो हरियाणा 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। राजताकिया, जी मीडिया, रोहतक। हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला ने फरीदाबाद में पार्टी द्वारा बनाए गए जिला मुख्यालय का उद्घाटन किया है, तो वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का दावा है कि स्वर्ण जयंती वर्ष में सूबे में विकास की रफ्तार और तेज होगी। फरीदाबाद में यहाँ बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला ने पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन किया।
इस मौके पर सुभाष बराला ने बताया कि 1 नवंबर को सूबा अपनी स्वर्ण जयंती मनाएगा, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे। बराला के मुताबिक इस अवसर पर कई बड़ी योजनाओं का ऐलान होने की उम्मीद है। वहीं पूर्व सीएम हुड्डा का कहना है कि मौजूदा सरकार से जो आशा थी वो निराशा में बदल चुकी है। उन्होंने बताया कि स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह को लेकर उन्हें कोई न्योता नहीं मिला है। किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये हरियाणा का स्वर्ण जयंती वर्ष की शुरुआत है और हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की भावनाओं के प्रकटीकरण का ये कार्यक्रम होगा। देखिए इसमें जो भी आएगा, देखिए बातें चर्चा होना एक बात होती है, लेकिन एक्शन दूसरी बात होती है। एक्शन हर बात के ऊपर लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। वहीं बराला ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हताश और निराश लोगों की पार्टी है और कांग्रेस के डूबते जहाज को कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर भी चुटकी ली। देखिए कांग्रेस पार्टी हताश निराश लोगों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का जो अभी तक, चाहे संसद में बात करें या विधानसभाओं के अंदर बात करें, पूरे देश के अंदर अभी वो अपने न्यूनतम पर है और ज्यादा नीचे जाने के उसके ऊपर है। सरकार स्वर्ण जयंती उत्सव को सफल बनाने में जुटी है, जबकि विपक्ष सरकार को घेरने में कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। फरीदाबाद से विनोद मित्तल, जी मीडिया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने उम्मीद जताई है कि सरस्वती नदी को जीवंत करने का काम तेजी से आगे बढ़ेगा और सरस्वती नदी की कल्पना जल्द ही साकार होगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने ये उम्मीद जताई है कि सरस्वती नदी को जीवंत करने का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने यमुनानगर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरस्वती नदी अब कल्पना नहीं रहेगी बल्कि वास्तविकता में बदल जाएगी। रामविलास शर्मा के मुताबिक सरस्वती नदी का 39 किलोमीटर का रूट उजागर कर दिया गया है, जबकि बाकी के काम को जल्द पूरा किया जाएगा। सरस्वती को हमने आद बद्री से लेकर के और मुगलवाड़ी तक और मुगलवाड़ी से लेकर अम्बावाड़ी तक लगभग 39 किलोमीटर में हमने 8 फीट नीचे, कहीं 7.5 फीट नीचे सरस्वती को उजागर कर लिया है और आने वाले दिनों में सरस्वती एक मिथ नहीं रहेगा, एक कल्पना नहीं रहेगी, ये एक वास्तविकता। जब पूछा गया कि काम बंद पड़ा है तो शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि बारिश के सीजन के चलते काम बंद पड़ा था, लेकिन अब फिर से खुदाई के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। नहीं, वो फॉर द टाइम बीइंग अभी जैसे सोम नदी में पानी आ गया था, जैसे चौतंग नाले में पानी आ गया था, पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम सरस्वती पर। आगामी 6 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी शिरकत करेंगे। यमुनानगर से वीना रानी, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अंबिका सोनी 3 दिवसीय हिमाचल दौरे पर रवाना हो गई हैं। इस दौरान वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जारी विवाद को दूर करने का प्रयास करने के लिए कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस प्रभारी अंबिका सोनी 3 दिवसीय हिमाचल दौरे में जिले के कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सीएम वीरभद्र सिंह के बीच संगठन में नियुक्तियों को लेकर विवाद कई दिनों तक चला, हालांकि बाद में दोनों नेता डैमेज कंट्रोल करते नजर आए। इस बीच सूबे की कांग्रेस प्रभारी अंबिका सोनी हिमाचल के 3 दिवसीय दौरे के दौरान संगठन और सरकार को करीब लाने की कोशिश करेंगी। सोनी के मुताबिक पंजाब और उत्तराखंड के बाद हिमाचल का नंबर है, इसलिए पार्टी को चुनावी मोड़ पर लाने की कोशिश करेंगी। सरकार और संगठन के बीच के मतभेद पर अंबिका ने कहा कि ये सब चलता रहता है। मैं चाहती हूँ कि पार्टी और सरकार दोनों इलेक्शन मोड की तरफ चलें, या इसको बदलो या उसको बदलो या फलाने को बनाओ, ये तो लगातार चलता रहता है, एक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो बदलना नहीं होता है, एडजस्टमेंट की कई दफा जरूरत है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी ने बताया कि राहुल गांधी नवंबर में हिमाचल जा सकते हैं, ऐसे में उनके दौरे को लेकर चर्चा होगी, साथ ही ब्लॉक और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगी। राहुल गांधी जी को वहां जाना था, जून में बीमार हो गए, नहीं जा सके, तो अब हम चाहते हैं कि नवंबर में वो जाएं। उससे पहले मैंने सोचा मैं ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों से मिलूं,
कुछ एडजस्टमेंट्स की जरूरत है, कहीं होता है संगठन में वो करूं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी नवंबर में हिमाचल प्रदेश का दौरा कर सकते हैं। कैमरामैन गौरव के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। राजौरी में उजाला योजना के तहत लोगों को एलईडी बल्ब बांटे गए। राजौरी में उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब बांटकर लोगों को बिजली बचत के लिए जागरूक किया गया। राजौरी में तहसीलदार कार्यालय के नजदीक बीजेपी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राजौरी पुंछ एमएलसी विबोध गुप्ता बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे। कार्यक्रम में लोगों को उजाला योजना के बारे में जानकारी दी गई और बिजली बचत की खातिर उन्हें एलईडी बल्ब बांटे गए। साथ ही लोगों को बेवजह बिजली खर्च से बचने की अपील की गई। कार्यक्रम में खासी तादाद में पहुंचकर ग्रामीणों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और एलईडी बल्ब को इस्तेमाल में लाने की बात कही। इस मौके पर मौजूद रहे एमएलसी विभूत गुप्ता के मुताबिक पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आने की जरूरत है, नहीं तो किसी दिन उसका वजूद ही मिट जाएगा। जिन्होंने आखिरी बिल अपना जमा करवाया, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि प्रवीण कीर्तन सेंटर पे आके वो 200 रुपए के 50 बल्ब जो है वो यहाँ से ले। जो काम पिछले 60 वर्षों में नहीं हो सकता, जो काम हमारे लिए एक सपना था सर्जिकल स्ट्राइक, वो हमारी फौजों ने वहाँ पर करके किया है और जो सीज फायर का उल्लंघन वो कर रहे हैं उसका पूरा मजबूती के साथ जवाब दे दिया जा रहा है। हम तो यही कहना चाहते हैं सुलझो, ठीक हो जाओ, शांत से रहो, शांति से रहो, नहीं तो मिट जाओ। जम्मू कश्मीर के एमएलसी ने पाकिस्तान को दो टूक नसी जवाब देते हुए नसीहत दी है। राजौरी से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ एस गोपालपुर, इजी मीडिया। दिल्ली में त्योहारों से पहले आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए मॉक ड्रिल करवाए गए। दिवाली के मद्देनजर आतंकी खतरे से निपटने के लिए तैयारियों को परखा जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और बदला लेने के लिए आतंकी बड़े शहरों में आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश में है। इसी खतरे को देखते हुए राजधानी दिल्ली में कई जगह मॉक ड्रिल की गई। झंडेवालान मंदिर में मॉक ड्रिल की गई। इस तरह के हालात में मॉक ड्रिल की गई जैसे आतंकी झंडेवालान मंदिर में घुस गए हैं। स्वाट कमांडोज, कैट्स, एम्बुलेंस और डॉग स्क्वाड भी मौके पर थे। मॉक ड्रिल रात 12:14 पर शुरू हुई और 2:12 पर खत्म हुई। शाम को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कुछ होटल्स में भी मॉक ड्रिल की गई। आगे भी इस तरह की मॉक ड्रिल राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक उपाध्याय, जी मीडिया। पाकिस्तानी फायरिंग में घायल हुए गुरनाम सिंह ने कल देर रात जम्मू के अस्पताल में आखिरी सांस ली। शहीद गुरनाम सिंह के गांव में गम का माहौल है, मातम पसरा हुआ है, बाजार दुकानें सब बंद हैं। लोगों का तांता, जैसे ही पता चला शहीद गुरनाम जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे, लोगों का तांता उनके घर में लगना शुरू हो गया। परिवार रिश्तेदार के लोग यहां पे इकट्ठे हो गए हैं। बीएसएफ के जवान गुरनाम सिंह शहीद हो गए। गुरनाम सिंह को राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। परिवार में मातम है लेकिन बेटे की शहादत पर फख्र है। इसने एक जवान को शहीद कर दिया तो एक गैल कर दिया और 5 जवान हैं जो है अपनी रेखा से इन्होंने भगा दिए, वो पाकिस्तान में चले गए। बड़े शौक है, शुरू तो शौक है, बचपने तो शौक ही उसे नहीं बोलता मम्मी मैं भर्ती होना, मैं भर्ती हो रहा हूँ। मेरे ब्रदर की सिर्फ मौत हुई है तो सिर्फ इसके लिए क्योंकि उसका अच्छे से इलाज नहीं हुआ इधर। तो मैं सरकार से, मोदी सरकार से एक ही मांग रखती हूँ, जो वीर जवान मेरे, वो भी वीर जवान है जो इस समय भी देश के लिए लड़ रहे हैं, जो सरहद पर हैं, बीएसएफ के जवान हैं, उनके लिए अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल बनाया जाए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके शहीद को श्रद्धांजलि दी। बीएसएफ के जवान श्री गुरनाम सिंह के निधन से मुझे बेहद पीड़ा हुई है। उन्होंने सीमा पर बहादुरी का परिचय दिया और देश की रक्षा में अपनी शहादत दी है। गुरनाम जम्मू के रणवीर सिंहपुरा इलाके के रहने वाले थे। गुरनाम 5 साल पहले बीएसएफ में शामिल हुए थे। गुरनाम के परिवार में माता पिता के अलावा 2 भाई और 1 बहन है। 21 अक्टूबर को घुसपैठ रोकने के दौरान पाकिस्तानी फायरिंग में गुरनाम के सिर में गोली लगी थी। सभी को गुरनाम की शहादत पे गर्व है लेकिन उन्हें सिस्टम से ये गिला भी है कि गुरनाम का सही तरीके से इलाज नहीं किया गया। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया। पाकिस्तानी सीज फायर के खिलाफ सीमा के आसपास बसे गांव के लोगों में गुस्सा है। जम्मू कश्मीर में पाक के सीज फायर के उल्लंघन से परेशान ग्रामीण पाकिस्तान का पक्का इलाज चाहते हैं।
कठुआ में रहने वाले लोगों में दहशत है। पाकिस्तानी मोर्टार और गोलीबारी से ही घरों को नुकसान पहुंचा है। लोगों का कहना है कि वो गोलीबारी की वजह से तंग आ चुके हैं और अब पाकिस्तान का पक्का इलाज होना चाहिए। हम ये सरकार के आगे ये डिमांड करेंगे कि हमारे बॉर्डर वालों का जो कोई एक परमानेंट कोई एक सोल्यूशन दिया जाए कि बार बार हमें जो यहाँ पे माइग्रेट होना पड़ता है। मतलब डर बना हुआ? हाँ, डर पूरा बना हुआ है, मोड़ खराब ही है। तो अब क्या देख रहे हैं कि रोज आपको घर छोड़ना पड़ता है? हाँ हाँ। किसकी वजह से हो रहा था? पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान भारत को उकसाने के लिए सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान 35 से ज्यादा बार सीजफायर का उल्लंघन कर चुका है। 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी गोलीबारी में सेना के जवान सुधीश कुमार शहीद हो गए थे। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ दौरान भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान रेंजर्स के 7 जवान मार गिराए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में बर्ड फ्लू से डियर पार्क में 10 और पक्षियों की मौत हो गई। दिल्ली के डियर पार्क में बर्ड फ्लू का कहर लगातार जारी है। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि हालात काबू में हैं, लेकिन डियर पार्क में 10 और बतखों की मौत से सवाल खड़े हो रहे हैं। गोपाल राय ने आज हालात का जायजा लेने के लिए डियर पार्क का दौरा किया। दिल्ली के डियर पार्क में अब तक 43 पक्षियों की मौत हो चुकी है और कुल 58 पक्षी H5N8 वायरस से मर चुके हैं। एक टीम बनाओ जो यहाँ रहते हैं, उनको फुल फीट हम दिलवाते हैं और उनसे बोलो कि देखो अगर कोई थोड़ा सा भी धुलमुल पक्षी दिख रहा है, हम क्यों इंतजार कर रहे हैं उसके मरने का। अगर उसको थोड़ा सा इन्फेक्शन दिख रहा है, वो प्रॉब्लम में दिख रहा है, तो उसको 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 उठाकर कहीं साइड में ले जाओ। पक्षियों की मौत के बाद दिल्ली के चिड़ियाघर को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा को आमतौर पर बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। ये पक्षियों के जरिए फैलने वाली बीमारी है। बर्ड फ्लू में सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होती है, साथ ही सीने में दर्द की शिकायत, कमजोरी और सुस्ती महसूस होती है। बर्ड फ्लू से रोकथाम के लिए पालतू पक्षियों से दूरी बनाकर रखें, कच्चे और अधपके अंडे खाने से बचें और चिकन को कुकर में उबालकर बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विमल कुमार, जी मीडिया। समाजवादी परिवार में कलह एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव समेत 4 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश में आज का संडे सियासी संडे के तौर पर जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सबसे पहले सुबह 11 बजे अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर पार्टी के सभी विधायकों और MLC की बैठक बुलाई। इस बैठक के शुरू होने के 1 घंटे बाद ही खबर आती है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 4 बड़े कैबिनेट मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है। अखिलेश यादव कुछ बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, इसका अंदाजा उसी वक्त मिल गया था जब उन्होंने अपने घर पर विधायकों और MLC की बैठक बुलाई। बैठक में अखिलेश ने क्या बड़ी बातें कही वो देखिए। समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ूंगा, खून के रिश्ते कभी अलग नहीं होते, पार्टी तोड़ने की बात नहीं सोच सकता। नेताजी मेरे पिता भी हैं, उन्होंने जो दायित्व दिया उसका पालन किया। जो लोग अमर सिंह के साथ हैं उनको मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं। कल नेताजी की बैठक में जाऊंगा और 5 नवंबर के कार्यक्रम में भी। पिता पुत्र के बीच में जो भी आएगा वो भुगतेगा। किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए और बिल्कुल आशान्वित हैं ईश्वर की कृपा से ये जो संकट के बादल ये दूर। शिवपाल यादव के अलावा नारद राय, शादाब फतिमा और ओम प्रकाश सिंह को मंत्रिमंडल से निकाला गया है। कल अखिलेश यादव के करीबी उदयवीर सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया था। उदयवीर सिंह ने मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अमर सिंह हैं और अमर सिंह से जुड़े कई करीबियों को अखिलेश यादव ने हटा दिया। जया प्रदा को फिल्म विकास परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया है। तो अब समाजवादी पार्टी की जो लड़ाई थी वो बिल्कुल अंतिम दौर में चल रही है। अब सबकी निगाहें मुलायम सिंह यादव पर है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संगरूर में उधार दिए पैसे वापस मांगने पर ट्रक यूनियन के पूर्व अध्यक्ष और काउंसलर करमजीत सिंह पम्मी ने पत्रकार केवल कृष्ण की गोली मारकर हत्या कर दी। 20 अक्टूबर की रात पत्रकार केवल कृष्ण की संगरूर के धुरी में हत्या कर दी गई थी। केवल कृष्ण का कसूर केवल इतना था कि वो उधार दिए पैसे वापस मांग रहे थे। ट्रक यूनियन के पूर्व प्रधान करमजीत सिंह पम्मी को ये इतना नागवार गुजरा कि पत्रकार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। आखिरकार पुलिस ने उसे वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और गाड़ी सहित धर दबोचा।
पुलिस के मुताबिक आरोपी को रिमांड पर ले लिया गया है। केवल कृष्ण की डेथ हुई थी उन्होंने बेटे के बयान से एक उन्होंने सन इन लॉ ने एडवोकेट ने हाई कोर्ट च उन्होंने बयान के आधार से करमजीत सिंह और पम्मी के खिलाफ 302 का कतल केस का पर्चा दर्ज रजिस्टर किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी गाड़ी और पिस्तौल बरामद कर रिमांड पर ले लिया है। संगरूर से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजीव बद्वा, जी मीडिया। हिसार में राहगीरी का आयोजन किया गया, इस मौके पर लोगों ने जमकर मस्ती की। देश और प्रदेश के बड़े शहरों की तरह हिसार में भी राहगीरी शुरू हो गई है। हिसार का नाम रविवार से उन शहरों में शुमार हो गया जहां राहगीरी का आयोजन किया जाता है। हिसार में पहली बार हुए इस आयोजन में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और उन्होंने जमकर मस्ती की। राहगीरी में जूडो, कराटे, कुश्ती, गोला फेंक, रस्सी कूद, मटका दौड़ और योग के साथ डांस के इवेंट्स भी रखे गए। राहगीरी में कई छोटे छोटे बच्चे स्केटिंग करते भी पहुंचे। आज का आयोजन राहगीरी की तरफ से किया गया है और हमारा जो मेडलों की खेती का अभियान है वो राहगीरी को अपना समर्थन देता है। मुझे स्केटिंग करने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत सारे लोग नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम रोज होने चाहिए। हिसार में पुलिस की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें यूथ अगेंस्ट ड्रग्स, यूथ अगेंस्ट वॉर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता अभियान शामिल हैं। चंडीगढ़ में स्पाइनल रिहैब सेंटर की तरफ से मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब सेंटर के लिए जागरूकता बढ़ाने और फंड बढ़ाने के लिए आज चंडीगढ़ के सुखना झील पर एक मैराथन का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ में सुखना लेक किनारे मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन का शुभारंभ एमएलए बलबीर सिंह सिद्धू ने किया। आयोजन में लोगों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। मैराथन के आयोजन का मकसद स्पाइनल रिहैब सेंटर के लिए लोगों को जागरूक करना और फंड्स रेज करना था। आमतौर पर जो शहरों के अवेयरनेस है लेकिन इंटीरियर के लोग पे ने कोई गिर गया, कोई छत गिर गया, कोई होर जगह गिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने लोगों वास्ते एक बहुत बड़ा यह कहना भी सहारा होएगा और उन्होंने एक बड़ी बड़ी देन होगी। दिस इज बेसिकली अ फंड रेजर इवेंट। वी आर रेजिंग फंड्स फॉर सपोर्टिंग पीपल हु हैव स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। वी हैव पीपल फ्रॉम चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब सेंटर। इस मैराथन में 12, 7 और 3 किलोमीटर की रेस का आयोजन किया गया जिसमें शहरवासियों ने शिरकत कर फिट रहने का संदेश दिया। नेशनल स्कूल चैंपियनशिप में सोनीपत के श्रुति ने ताइक्वांडो में सिल्वर मेडल जीतकर हरियाणा का नाम रोशन किया। तेलंगाना में आयोजित नेशनल गेम में श्रुति ने पंजाब की खिलाड़ी को हराकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। यह है सोनीपत की होनहार खिलाड़ी श्रुति जिसने तेलंगाना के रंगा रेड्डी में आयोजित नेशनल स्कूल गेम प्रतियोगिता के दौरान ताइक्वांडो में सिल्वर मेडल जीतकर न सिर्फ अपने माता पिता का मान बढ़ाया है बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। ताइक्वांडो मार्शल आर्ट में सिल्वर मेडल विन किया है और मेरी थ्री बाउट्स हुई थी जिसमें से फर्स्ट बाउट मेरी मध्य प्रदेश की लड़की के साथ, सेकंड बाउट मेरी एसबीआई की लड़की के साथ और थर्ड बाउट मेरी पंजाब की लड़की के साथ हुई थी। इन सबको हरा के सब मैंने अपना सिल्वर मेडल विन किया है और आज सबने मेरे लिए इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है तो मैं आशा करूंगी कि इस बार मैं नेशनल मेडल आई हूं तो अगली बार मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लाऊं। ताइक्वांडो के मुकाबले में श्रुति का मुकाबला पंजाब की खिलाड़ी से हुआ जिसे श्रुति ने 20-5 के स्कोर से शिकस्त देकर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। ईरान को हराते हुए भारत ने 8वां कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है। जीत के बाद नालागढ़ के रहने वाले भारतीय कबड्डी टीम के सदस्य अजय ठाकुर का घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। स्टार विजेता टीम के खिलाड़ी अजय ठाकुर का नालागढ़ पहुंचने पर स्थानीय लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया है। ईरान के खिलाफ जीत दिलाने वाली कबड्डी टीम का हिस्सा रहे अजय ठाकुर अपने गृह क्षेत्र नालागढ़ पहुंचे। यहां सबसे पहले बद्दी में लोगों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया और फिर ओपन एयर जिप्सी में बिठाकर किशनपुरा ले जाया गया। अजय ठाकुर ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका आभार प्रकट किया। अजय ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि आखिरी मुकाबला कांटे का था लेकिन उन्हें जीत का भरोसा था और लक्ष्य हासिल करके ही दम लिया।
अजय ठाकुर ने हिमाचल सरकार से मांग की है कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं दें ताकि खेलों में प्रदर्शन को सुधारा जा सके। अजय ठाकुर की उपलब्धि पर उनके पिता ने खुशी जाहिर की है। और बेटा जो है आज इस वर्ल्ड कप में जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दुनिया का नंबर वन आया है, इसके इतनी खुशी जो है मैं बता नहीं सकता कि मेरे मैं मुझे कितनी खुशी मिली है। लेह लद्दाख में पहली बार लद्दाख डे का आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों और सैलानियों ने मिलकर पहला लद्दाख डे बड़ी धूमधाम से मनाया। लेह लद्दाख की वादियां यूं तो सालों भर सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन दूर तक ऊंचे पहाड़ों से घिरे इन वादियों के बीच पहला लद्दाख डे का मौका बहुत खास था। बड़ी संख्या में यहां न सिर्फ तिब्बती लोग मौजूद थे बल्कि सैलानी भी शिरकत कर रहे थे। इस दौरान तिब्बत की गरिमामयी इतिहास को याद किया गया। लगा हमें क्योंकि लद्दाख के इतिहास के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानना अच्छा लगता है, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यहाँ वहाँ के काम में उलझ जाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बह जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, क्या उन्होंने किया था। और लद्दाख की हिस्ट्री इतनी अच्छी है जिसमें जिसको सुन के हमें गर्व महसूस होता है। मैसेज जो पास का था वो फ्यूचर तक ले जाने का था, वो तो आज मेरे ख्याल से लद्दाख में 500+ स्कूल्स इसमें इसी मौजू पे इसी टॉपिक पे डिस्कशन था, टॉक था, और यही बच्चे भी मिलके ग्लोरियस लद्दाख जो पास्ट में हमारे जो बुजुर्ग थे, एक तो उनको थैंक्स गिविंग था। और अब जाते जाते देखिए मौसम का हाल। पहाड़ों के बाद मैदानी शहरों के तापमान में दर्ज की जा रही गिरावट ठंड के लौटने का एहसास कराने लगी है। हरियाणा के हिसार में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली में 34 और गुरुग्राम में 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है, जबकि चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। पंजाब के बठिंडा में 33 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में भी 33 और अमृतसर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं जलंधर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस ही नोट किया गया। हिमाचल के शिमला और मनाली में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया, जबकि धर्मशाला में आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं श्रीनगर में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। शिमला और मनाली का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क गया है, जबकि धर्मशाला का तापमान भी 3 डिग्री तक लुढ़का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।